पहली बात तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरी वन अब बात करेंगे वेदा मूवी के ऊपर जिसमें हमें जॉन एब्राहम और शर्वीर देखने को मिलती है ये एक रिवेंज एक्शन ड्रामा मूवी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है आई मीन इंस्पायर्ड है और मूवी के शुरुआत में ही वो बोलते हैं कि ये इंस्पायर्ड तो है ही लेकिन जो भी सारे मेजर डिटेल्स है उन्होंने वो चेंज करे है एंड आई हैव टू से यार जो इंसिडेंट्स है वो काफी हार्ड ब्रेकिंग है और ये जो इंसिडेंट्स है वो बेस्ड है अराउंड द राइट्स ऑफ दलित कास्टिज्म कास्ट सिस्टम और दलित के राइट्स के ऊपर ये पूरी मूवी है और सच में जो भी इंसिडेंट से सच में काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग हमें फील होता है लेकिन ये मूवी के अगर मैं कहानी के बारे में अगर बात करूँ तो वेदा नाम की एक कैरेक्टर है उसकी फैमिली रहती है राजस्थान में और वो होते हैं दलित जिसके वजह से उन पर होता है अत्याचार और उसी अत्याचार के चक्कर में काफ़ी मतलब समझ सकते हो क्या क्या हो जाता है फिर उसके बाद वो जाती है एक रन पे जिनका साथ देते हैं जॉन एब्राहम का कैरेक्टर जो एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और मूवी में एक सीन था काफ़ी शुरुआत में ही वो मुझे तब तो इतना नोटिस नहीं हुआ लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा नोटिस हुआ और काफ़ी हिट हुआ तो उसके बारे में मैंशन करना चाहूँगा तो हमारी जो वेदा का कैरेक्टर है वो जाती है कॉलेज में और उसे पीना होता है पानी तो वो पानी पीने के लिए अब नॉर्मल तुम सोच के देखो अब कॉलेज है कॉलेज में पानी पीने जा रहे हो तो एक वाटर कूलर तो रखा ही होता है जहाँ से हम पानी पीते तो यहाँ पर भी वाटर कूलर था लेकिन उसके साथ ही साथ एक मटका भी रखा हुआ था और हमारे जो कैरेक्टर है व्यक्त है वह वाटर कूलर की तरफ नहीं जाती लेकिन मटके की तरफ जाती है और मटके से पानी निकालने के पीने की कोशिश करती है और मटका होता है खाली तो इसके वजह से वो देखती है कूलर की तरफ और वो वाटर कूलर की तरफ जाती है तब बाकी लड़के आ जाते हैं इसलिए वो वहाँ से निकल के आ जाती है और मैं सोच रहा था यार ऐसी क्या बड़ी बात हो गई फिर उसके बाद उसकी एक फ्रेंड दिखती है उसे और वो उसे बोलती है कि मुझे प्लीज़ पानी दे देना वाटर से तो वो वाटर कूलर से जब पानी लेती है तब जो शर्वरी के चेहरे पे थे बहुत सही ऐसे थे कि थैंक यू थैंक यू वो इतनी ज्यादा उससे वो थैंकफुल हो गई थी कि यार मुझे पानी लेने को मिल गया वाटर कूलर से तो वो सीन जब आया तब मुझे इतना वो ज्यादा समझा नहीं लेकिन बाद में जा जब समझ में आया कि अच्छा ऐसी बात है राइट सन ये सारी बात है तब मुझे बहुत ही ज्यादा हिट हुआ यार सच में काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने ऐसी चीज़ इंक्लूड कर ली है मूवी में फिर ये जो मूवी है ये ढाई घंटे के करीब करीब है लेकिन मूवी लंबी काफ़ी लगती है और जिसका एक रीजन है कि पहला हाफ मूवी का लंबा है और उसके साथ ही साथ जो भी नॉर्मल हमारे सीन है तो काफ़ी सारे सीन्स में म्यूज़िक नहीं यूज़ किया गया है मतलब ये पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए मूवी के जहाँ पे मूवी अच्छी करती है लेकिन मूवी लंबी लगती है लेकिन फिर भी जो बिना म्यूज़िक के सीन्स होते हैं तो वो मे भी कुछ लोगों को बोर कर सकते हैं लेकिन फॉर मी इट केप्ट मे हाउट क्योंकि उसके वजह से जो वेट इस सीन का जो वजन है सीन का वो बढ़ जा रहा था और ये ऐसा उन्होंने बस नॉर्मल कन्वर्जेशन के सीन्स में ही नहीं किया है इनफैक्ट कुछ कुछ एक्शन सीन्स में भी किया है जहाँ पे हमें बस बुलेट के शॉर्ट्स वगैरह सुनने को मिलते हैं और इसके साथ ही साथ अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो यार एक्शन कोरियोग्राफी वसना इस एक्शन को जिस तरीके से कैप्चर किया था वो काफ़ी अच्छा था और स्पेशली अगर तुमने जॉन विक का फोर पार्ट देखा है तो उसका सबसे फेमस सीन है जो टॉप व्यू से लिया गया था और जिसमें जॉन विक जो हमारा कैरेक्टर है वो अलग अलग रूम्स में जाता है अलग अलग कैरेक्टर्स को मारते मारते वन टेक में पूरा शॉट होता है इतना लंबा वो सीन नहीं था लेकिन जस्ट कि वो, वो ट्राई किया और अच्छी तरीके से उन्होंने पुल ऑफ भी किया तो आई वांट टू फिर ऐसे ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मूवी शाइन करती है लेकिन अगर मैं नेगेटिव बोलू तो वही यार मूवी लंबी लगती है थोड़ा बहुत एग्जॉस्टिव आप फील करते हो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस मूवी इज अ सॉलिड रिवेंज मूवी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं भूल ही गया शर्वरी शाइन्स थ्रू आउट द मूवी जॉन एब्राहम वो एक साइलेंट कैरेक्ट साइलेंट कैरेक्टर नहीं होता है कि जो ज्यादा बातें नहीं करता है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जहाँ पे बहुत नेसेसरी है वहाँ पे ही वो बात करते हैं और वो काफी अच्छी तरीके से शूट कर रहा था उनके कैरेक्टर को और कैसे उनके कैरेक्टर की बैक स्टोरी थी उसको फिर शर्वरी शर्वरी को मैं सच में कमेंट करना चाहूँगा बहुत बढ़िया एक्टिंग उन्होंने करी है अलग अलग शेड्स थे उनके कैरेक्टर के भी अच्छी तरीके से उन्होंने हर एक शेड को पुल ऑफ किया और यार शी डिजर्व अप्रिसिएशन रियली और फिर हमारे विलन अभिषेक बैनर्जी मैंने कल इस थ्री मूवी में उनके कैरेक्टर की तारीफ करी आज मैं फिर से करना चाहूंगा तो उनका कैरेक्टर विलन है इस मूवी का प्रधान है और विलन है इस मूवी का और हाँ उनका भी कैरेक्टर काफी अच्छा ही था ऐसा विलन का रोल प्ले किया जिसको आप सच में देख के ही करोगे तो यार दैट्स ऑल आई वन टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो और जाने से पहले मैंने स्त्री टू मूवी का भी रिव्यू किया है बिना कोई स्पर्स का उसको चेकआउट कर लेना यहाँ पे और और स्त्री टू मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन और उसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में में, कल सुबह तक तुमको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो वो देखने के लिए भी वापस आ जाना एज एन एंड एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग